हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हैं आप सब? गाइस आज मैं काफ़ी ऑसम वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए और आई होप कि आपको पसंद आएगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक करना। सो गाइस आज हम बात करने वाले टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स के बारे में जब बेन टेनिसन ने पूरे यूनिवर्स को सेव किया या बचाया। सो गाइस ये मोमेंट्स मैंने पर्सनली ही चूज़ किए हैं और ये काफ़ी ऑसम मोमेंट्स लगे मुझे, इसलिए मैंने इन्हें इस लिस्ट में रखा है। बेसिकली बेन टेनिसन ने कई बार यूनिवर्स को बचाया है। सो गाइस आज हम उनमें से 5 ऐसे मोमेंट्स जानेंगे जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स जब बेन टेनिसन ने यूनिवर्स को बचाया। सो गाइस इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो मोमेंट है वो है गाइस जब बेन टेनिसन ने हाइब्रिड को रोका था। सो गाइस इसमें होता यूँ है कि वर्ल्ड वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स एपिसोड में हमें देखा था कि जो हाइब्रिड है वो खुद को ऊंच नस्ल की स्पीशीज़ मानती है और दूसरे स्पीशीज़ को अपने लिए खतरा मानती है तथा उन्हें तबाह करके खुद ही यूनिवर्स में राज करना चाहती थी। सो गाइस जो हाइब्रिड थे वो खुद को बचाना चाहते थे एक्सटिंक्ट होने से या फिर लुप्त होने से। इसे गाइस उन्होंने पूरे जो यूनिवर्स में हर एक प्लैनेट और नस्ल को ख़त्म करने का तय किया, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सेना या फिर आर्मी को भेजा ताकि वो सारे यूनिवर्स की स्पीशीज़ को ख़त्म कर सके। और इस दौरान गाइस जो गैल्विन है वो तबाह हो जाता है और बेन टेनिसन के पास अजमत और पैराडॉक्स आते हैं और उसे बताते हैं इस चीज़ के बारे में। उसके बाद बेन टेनिसन की टीम हाइब्रिड से लड़ने के लिए जाती है गाइस और हाइब्रिड को रोकते हुए जब एंड में होता यूँ है कि बेन ने ओमेट्रिक्स की हेल्प से हाइब्रिड के DNA को बदल देता है तथा उनसे दोस्ती कर लेता है। इस तरह बेन टेनिसन पूरे यूनिवर्स को बचा लेता है। सो गाइस नंबर 4 पर मैंने मोमेंट रखा है जब बेन टेनिसन और उसकी टीम ने मिलकर एग्रीगोर को रोका था। सो गाइस ये हमें देख रहा था बेंटन अल्टीमेट एलियन के सीज़न में। सो गाइस फर्स्ट सीज़न में। सो गाइस इसमें होता यूँ है कि जो एग्रीगोर है वो एक ऑस्मोसिम होता है और वो 5 डिफरेंट एलियंस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके मैप ऑफ इन्फिनिटी को ढूंढ लेता है और मैप ऑफ इन्फिनिटी की हेल्प से फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में चल जाता है। गाइस इसका मकसद होता है न्यूबॉर्न सेलेस्टियल सेपियन के पावर्स को एब्जॉर्ब करके ओमनीपोटेंट हो जाना और पूरे यूनिवर्स में राज करना। सो गाइस जो बेन और उसकी टीम है वो उसे मिलकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गाइस तब केविन बेन के ओमनी अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और एग्रीगोर को रोक लेता है। सो गाइस इस तरह से बेन टेनिसन की टीम ने मिलकर एग्रीगोर को रोका। सो गाइस नंबर 3 पे जो मोमेंट है वो तो काफ़ी ऑसम है एंड गाइस ये मोमेंट है जब बेन टेनिसन ने डायगन को रोका था। सो गाइस ये मोमेंट और एपिसोड दोनों ही काफ़ी अमेजिंग थे, अगर आपने देखा है तो आपको ज़्यादा पता होगा। और गाइस इस एपिसोड में जो विलगैक्स गाइस वो डैगन की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बन जाता है नाई ऑफ इंपोर्टेंट, जिसे हराया नहीं जा सकता। सो गाइस इसमें जो डैगन है उसे बेन टेनिसन अल्टीमेट वेविक बनकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाइस जो डैगन है अपना साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर देता है जिसके सामने जो अल्टीमेट वेविक है गाइस उसका साइज भी बहुत छोटा लगने लगता है। सो गाइस इसमें हमें ऐसा काफ़ी अच्छा फाइट सिक्वेंस देखने को मिलता है और इसमें काफ़ी हद तक ऐसा दिखाया गया है कि बेन टेनिसन काफ़ी वीक है डैगन के सामने और बेन टेनिसन को हारता हुआ भी दिखाया गया है। सो गाइस इसमें होता यूँ है कि बेन टेनिसन के पास कोई भी ऐसा एलियन नहीं रहता जो जो डैगन को हरा सके। सो गाइस यहाँ पे बेन टेनिसन एस्केलिन की हेल्प से डैगन को रोकता है एंड गाइस ये काफ़ी ऑसम है और इसे मैं नंबर 1 पे रखने वाला था, लेकिन गाइस इसमें कुछ डिमेरिट्स इसलिए मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। सो गाइस नंबर 2 पे तो ऐसा मोमेंट होना चाहिए जिसमें यूनिवर्स से भी बड़ी किसी चीज़ को बचाया गया हो। जी हाँ गाइस, सो ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे गाइस जो बेन टेनिसन है उसने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया। सो गाइस ये मोमेंट था जब बेन टेनिसन ने इयॉन और विलगैक्स को रोका मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने से। सो गाइस इस एपिसोड और इस मोमेंट में हमें देखने को मिलता है इयॉन और विलगैक्स मिल जाते हैं और वो सभी टाइमलाइन से बेन टेनिसन को इकट्ठा करने लग जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो इयॉन है वो सभी टाइमलाइन में से जो बेन टेनिसन है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था और यहाँ पे उसके ऑपोजिट में जो विलगैक्स होता गाइस वो भी सेम चाहता था, साथ ही वो इस यूनिवर्स में से सभी बेन टेनिसन को तबाह कर देना चाहता था और साथ ही सभी टाइमलाइंस को मींस वो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता। सो गाइस यहाँ पे जो बेन टेनिसन है उसने दोनों को रोका, उसने इयॉन को भी रोका और जो विलगैक्स है उसको भी रोका और साथ ही साथ पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। इस एपिसोड को मैंने नंबर 2 पर इसलिए रखा है गाइस क्योंकि ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और इसमें हमें मल्टीवर्स का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिला और बेन टेनिसन के इतने सारे मल्टीवर्जन देखने को मिले जिससे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन का पता लगा। सो गाइस हम आ गए नंबर 1 पर एंड गाइस आप में काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि नंबर 1 पर ऐसा कौन सा मोमेंट है जो मल्टीवर्स को बचाने से भी ज़्यादा बड़ा है। सो गाइस अगर आपको के पास कोई थिंकिंग या फिर कोई आइडिया है कि कौन सा मोमेंट हो सकता है प्लीज़ उसे कमेंट कर देनी चाहिए, मैं आपके कमेंट्स को जरूर चेक करूंगा। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके देखें। सो गाइस नंबर 1 पर जो मोमेंट है वो मोमेंट नहीं है जब बेन 10 एलियन एक्स बनके पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट करता है। सो गाइस ये मोमेंट है जब बेन टेनिसन मल्टीवर्स को रोकता है। सो गाइस जो मल्टीवर्स है वो एक क्रोनोस सेपियन है और वो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करना चाहता था ताकि वो उस पर राज कर सके। सो गाइस इसमें वो वक्त के
एक्सिस्टेंस से भी पहले के वक्त में जाना चाहता था जब यूनिवर्स बना ही नहीं था, और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। वो ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जहां पर टाइम भी एक्सिस्ट नहीं करता था। और गाइस, इसमें जो फाइट है वो यूनिवर्स के बनने से भी पहले की जाती है बेंटन और क्रोनोसेपियन मालचुरेंट के बीच। तो गाइस, यहां पे जो मालचुरेंट है यूनिवर्स को क्रिएट कर उस पर राज करना चाहता था, इसलिए वो टाइम के एक्सिस्टेंस से भी पहले के वक्त में चला जाता है, जहां पर गाइस बेंटनसन और ब्लॉन्क को उसे रोकने के लिए आ जाते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड में हमने क्वांटम मिलिया का फर्स्ट अपीयरेंस भी देखा था। एंड गाइस, इसमें हमने देखा था कि जो बेंटनसन का एलियन है फीडबैक, वो बिग बैंग एक्सप्लोजन तक को कंट्रोल कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखाया गया है इस एपिसोड में। और इसीलिए इसे मैंने गाइस नंबर वन पर रखा है, क्योंकि ये काफ़ी ऑसम एपिसोड था। इसमें यूनिवर्स को बनता हुआ भी दिखाया गया है। सो गाइस, ये थे वो टॉप 5 मोमेंट्स जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे, इसलिए मैंने इस लिस्ट पर रखा है। एंड गाइस, अगर आपके पास कोई और लिस्ट है जिसमें 5 ऐसे मोमेंट्स हैं जब बेंटनसन यूनिवर्स को बचाया, तो उसे कमेंट कर दें, या फिर आपका कौन सा सबसे फेवरेट मोमेंट है जब बेंटनसन यूनिवर्स को बचाया था, उसे भी कमेंट कर दें। मैं आपके कमेंट्स को जरूर देखूंगा। गाइस, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। अगर आपके पास कोई टॉपिक जिस पर लगता है आपको कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दें। थैंक यू।